तो भाई इनके मामा की भी कुछ स्टोरीज हैं और कुछ रिलेटिव्स भी हैं, और भी स्टोरीज इनके पास हैं बहुत सारी। तो बताइए मयंक जी, क्या क्या और स्टोरीज हैं आपके पास, और बताइए दर्शकों को। हाँ, स्टोरी तो नहीं कहिए आपने, हकीकत है ये। हकीकत है भाई साहब, स्टोरी हकीकत है। मतलब जितने हमारे साथ घटी हैं वो तो मैं बिल्कुल 100% सही बता रहा हूँ, मतलब जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन और किसी से हमने सुनी भी है, मतलब वो भी यही कह रहे थे कि सही है। वो भाई सही है सारी की सारी। ये समझ लेना कि कोई औकड़ बहुत लग सकती है आपको, जब आपके साथ हो जाए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे मामा जी हमारे, उनका नाम प्रदीप है, तो वो मतलब ये काम करते हैं। गाँव में ये होता है कि सबके पास हार्वेस्टर वगैरह नहीं होते हैं। जब फसल का टाइम आता है, खरीफ फसल का, मतलब जब गेहूं वगैरह कटते हैं, उसके बाद थ्रेसरिंग होती है उसकी, तो उस समय पे ऐसा होता है कि सबके पास नहीं होते हैं हार्वेस्टर। तो कुछ लोग यही काम करते हैं कि उनके पास हार्वेस्टर होते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। देखो भाई बता दूं, हार्वेस्टर क्या होता है। हार्वेस्टर बेसिकली होता है, जैसे गेहूं की फसल है या कोई भी फसल है, तो उसको हार्वेस्ट करके उसके दाने निकाल के अलग करता है और भूसा अलग करता है। आपने सुना भी होगा जिसके यहाँ खेती वगैरह होती है। हाँ जी बताइए। तो वही सब करते हैं वो, उसी का काम करते हैं। तो वो ऐसा होता है कि मतलब एक स्पेसिफिक जगह जाके काम करना, जैसे मतलब जहाँ ज़्यादा काम है, जहाँ मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा काम मिलेगा, तो वहाँ जाते हैं। तो हमारे जो बुंदेलखंड में एक माधवगढ़ करके क्षेत्र है, माधवगढ़ करके एक माधवगढ़ विधानसभा पूरा विधानसभा भी एरिया है आता है। पूरा ही, हाँ उसमें पूरा एरिया आता है। तो माधवगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी फसल थी कटने को, तो ये लोग वहीं पे चले गए। मतलब दो चार मशीन जो है हार्वेस्टर मशीन, वो चले गए दो चार लोग वहाँ पे, तो मतलब पूरा ख़त्म करके आएंगे। जहाँ जहाँ का काम है तो वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो ये लोग वहाँ चले गए। तो एक जिस दिन ये लोग निकले थे, तो दिन सुबह निकल गए थे, तो जाते जाते ऐसा हुआ कि एक बार जो हार्वेस्टर वगैरह है वो ख़राब भी हो जाते हैं कभी कभार मशीन है क्योंकि, तो उसकी सर्विसिंग वगैरह के लिए कहीं रुक गए ये। तो माधवगढ़ पहुँचते पहुँचते ने करीब 8-9 बज गया शाम को। तो गाँव का वही हाल मैंने बताया पहले भी कि मतलब लाइट का कोई पता नहीं, कब आना हाँ, कब लाइट का जाना, भाई कोई पता नहीं। और छोटे छोटे रोड पगडंडी, पता भी नहीं चलता कि मतलब रोड कहाँ है, और मतलब रात में बहुत दिक्कत होती है। और ये तो बड़ी मशीन है, छोटे रोड पे जाती भी नहीं, तो बायां खेत जाना पड़ता है लोगों को। खेतों का ज़्यादा रास्ता प्रेफर करते हैं क्योंकि बड़ी मशीन है, कहीं फंसे ना। तो उस चक्कर में लोगों ने खेतों वाला रास्ता रख लिया कि जहाँ इन्हें पहुँचना था। तो लेकिन रात होने की वजह से देखा नहीं ये कुछ लोग नहीं। समझ नहीं पाए कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, 10, 10:30, 11 करीब टाइम होगा, एग्जैक्ट पता नहीं हमें, लेकिन रात के मिड नाइट निकलेंगे हो गया भाई। था काफ़ी। तो ऐसा होता है, तो इन लोगों ने एक जगह देखी, मतलब काफ़ी बड़ी जगह, तो रात में पता नहीं चल रहा था वो क्या है। तो खेत लगा इन लोगों को, तो उन लोगों को खेत लगा, तो वहाँ पे ये लोगों ने कहा चलो ठीक है यहीं रुकते हैं आज रात को, और खाना जो होता है वहीं बनाते हैं ये लोग साथ में सब सामान वगैरह, और वहीं लेटेंगे मतलब सुबह फिर अपने काम पे। तो ये लोगों ने वहीं सब खाना आना बनाया, और रात में ऐसे 12, 12:30 तक वहीं पर चारपाई रखे अच्छा, रहते हैं, वहीं 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 लेट लेट गए, गए उसी में भाई। ठीक है। वहीं लेट गए। तो इसके बाद जैसे ही मतलब अब टाइम का एग्जैक्ट तो उन्हें पता नहीं है क्योंकि रात थी, तो 1-2 बजे करीब हुआ होगा। तो ये लोग सब लोग गहरी नींद सो रहे हैं, थक जाते हैं, तो अपने अपने चद्दर ओढ़े। तो मामा जी को ऐसा लगा कि कोई उनकी चारपाई खींच रहा है, मतलब चारपाई खींच चारपाई रहा है भाई खींच रहा है सीधी। नीचे हाँ से। तो इन्हें लगा होगा कि जो 4-5 लोग और हैं, जो हाँ स्टाफ वो होता है पूरा, हाँ तो वो हाँ मस्ती वो वगैरह कर शैतानी रहे कर रहे हैं, हैं वही तो जो। इन्हें एक दो बार इग्नोर कर दिया। और हाँ मतलब इकबाल भैया हैं जो वो चलाते थे, उनसे किया अरे इकबाल यार क्यों परेशान कर रहे हो, हाँ, सोने मतलब दो क्यों परेशान कर रहे हो सोने भाई। दो, दो चार बार किया काफ़ी बार। तो हाँ इन्हें लगा कि इन्हें मतलब बस ऐसे सोते सोते नहीं कह देते अरे परेशान ना करो, उसके बाद इन्होंने वो बंद हो जाता था थोड़ी देर, और फिर तो 3-4 बार होने के बाद क्या ऐसा, गड़बड़ है भाई कुछ अब। तो ये मतलब गुस्से में उठे, इन्हें ये भी अभी भी यही लगा कि शायद इकबाली या फिर जो इरफान भैया हैं उन लोगों में कुछ कर रहे होंगे। तो इन्होंने जैसे ही ये लोग उठे तो इन्हें कुछ नहीं देखा, मतलब सब शांत। तो इकबाल भैया अभी अपने सो रहे हैं और इरफान, तो ये उठे और इन्होंने कहा कि साला ये अभी लेट गया जाके, तो उन्होंने 2 लात मार दी इकबाल अच्छा को, अच्छा मतलब इन्होंने ये सोचा कि जैसे ही मैं मस्त उठा ये लोग सो और गए, वो सो गया, तो एक्टिंग करने एक्टिंग लगा करने लगा। सोने तो की। उन्होंने 2 लात मारी उन्हें, और वो आगे लेट गया फिर से कि साला आप किया तो बताऊंगा तुझे। तो फिर जैसे ये लोग सोए, तो मतलब जैसे ही सोए थोड़े, उसके बाद फिर से यही हुआ, चद्दर खींचने लगा कोई, या फिर जो खाट है जो खटिया है उसे मतलब खिसकाने लगा। तो ये लोग काफ़ी परेशान, तो जैसे ही मतलब गुस्से में उठे ये, जो साथ में ऐसा है कि कुछ हथियार वगैरह रखे रहते हैं, हथियार उससे मतलब है कुल्हाड़ी या फिर हाँ चाकू, कुल्हाड़ी वगैरह या क्योंकि ये सब खेत कुछ। में हैं हाँ तो खेत में कोई जानवर आनवर आ डकैत जाए। या फिर जानवर ऐसे काफ़ी सीन होते हैं तो रखे। तो जैसे ही इन लोगों ने मतलब गुस्से में ये उठाया है, तो इन्हें फिर से कुछ नहीं, सब शांत, अच्छा मतलब ये देख के सब परेशान शांत हो जाए सब सारा। शांत।
तो ये लोग वहीं मतलब फिर से ये जैसे ही लेटे, लेकिन इन्हों को पता नहीं क्या लगा इन्हें, इनने एक बार फिर से उठ के देखा कि कुछ मतलब दिक्कत है, मतलब इन्हें लगा कि शायद कुछ और है, मतलब ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही इन लोगों ने मतलब वो उठे, वो पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़, काफ़ी बड़ा पीपल या बरगद, मतलब शायद पीपल ही था, मतलब एग्जैक्टली पीपल याद नहीं, बरगद के पेड़ जो पे ऐसा काफ़ी होता काफ़ी है। पुराने पेड़ हाँ थे, 200-300 साल पुराने, काफ़ी बड़े, उनके नीचे वो बड़े जो बड़े पेड़ उनके नीचे जो झाड़ लटकते हैं, झाड़ लटकते हैं ना, लटकते आपने हैं, देखा होगा बरगद तो के नीचे वही ना वही वो टाइप सब। एकदम पेड़। तो एकदम उनकी नज़र पड़ी उस पर, तो इन्हें मतलब एक खतरनाक सा क्रिएचर दिखा, मतलब एग्जैक्ट नहीं दिखा क्योंकि रात बहुत थी, तो लेकिन इतना ऐसा लगा इन्हें कम से कम 18 से 20 फीट का करीब क्रिएचर कोई उस पेड़ पर पैर लटका कर बैठा है, और मतलब कोई उसकी अनआइडेंटिफाइड थोड़ा स्ट्रक्चर टाइप दिखा ऐसे अंधेरे में, कुछ मतलब ऐसा बड़ा, हाँ दिखा। काफी बड़ा। तो मतलब और इनकी जो आंखें वगैरह उसकी मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ दूर से देखने पर लग रहा था कोई बैठा है। मतलब अंधेरे में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ तो रहा, लेकिन हाँ फिर भी डर इन्होंने, लगता है। मामा ने सुनी हुई थी कहानी के पीपल के पेड़ या इनके पेड़ पे प्रेत और ये सबका वास होता है, आपने स्टोरी सुनी होगी प्रेत वगैरह की, तो तो वही 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 था एग्जैक्टली। हाँ ये शायद था। वही था। तो उसकी आंखें देखकर ये लोग डर गए, मतलब ये डर गए, तो इन्होंने मतलब जल्दी से सबको जगाया, और उसके बाद वहाँ से जल्दी से जल्दी जितने जल्दी हो सके वहाँ से मशीन वगैरह स्टार्ट करके वहाँ से निकल गए, मतलब मतलब हार्वेस्टर वगैरह दिखा के निकल निकल रहे गए हैं। वहाँ से। लेकिन जैसे ही निकल रहे थे तो सुबह जो जो मतलब बुलाते हैं कि हमारे यहाँ के फसल काटो, या फिर तो वो उन्हें एजेंट कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ काटना हाँ है, मतलब जो दो जगह का काम कर देते हैं, बीच को मिलाने का काम एजेंट वाला तो वो वो। एजेंट वाला, तो वो सुबह मिले उन्हें, तो उन्होंने बताया कि रात को आप आए नहीं, कहाँ रुक गए थे। तो उन मामा जी ने कहा कि वो यहीं एक खेत था वहीं पर रुक गए, तो लेकिन यहाँ तो कुछ सही नहीं लगा मतलब मामला, कि ये सब हो रहा है यहाँ पे। मामा जी ने पूरी स्टोरी बताई, तो फिर मामा फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ मतलब एग्जैक्ट रुके कहाँ थे आप लोग, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक काफ़ी खाली सी जगह थी रोड के साइड में ही जस्ट, तो मतलब उसके बाद खेत खेत में इन लोगों को लगा खेत है वो, लेकिन वो खेत नहीं था, वो मरघट या कब्रिस्तान रहा होगा कुछ, मतलब भाई ये आयरन ही हो गई, इन लोगों ने मतलब समझा समझ नहीं खाली जगह पाए ये है लोग, तो खाली जगह थी, इन लोगों ने मतलब रात में वो समझ नहीं पाए कब्रिस्तान या वो जहाँ पे हम लोग मरघट क्रिएशन है। कर देते हैं मरघट वगैरह वो गांव सारे में ऐसा चीज होता नहीं है है, ना। बिल्कुल प्रॉपर बना तो है नहीं कुछ, हाँ बस सिर्फ प्रॉपर तो जगह बना नहीं है, रहता शहरों खाली, जैसे कि कहीं भी बिल्कुल जला मोक्षधाम सकते बना हैं। है, यहाँ हाँ तो सिर्फ जगह रहती है खाली जहाँ खेतों खाली में, पड़ी तो वहीं वो क्रिएशन कर लेते हैं। काफ़ी समय से वो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने ही बताया कि यहाँ मरघट है और यहाँ जाना मतलब मना है, और यहाँ रहता है बस कुछ मतलब पैरानॉर्मल तब जो एक्टिविटी, वहाँ के लोकल लोग थे तो उनने उन्होंने बताया बताया है। फिर। तो ये लोग हाँ काफ़ी डर गए, तो तब से ये ध्यान रखते हैं कहीं रात में ऐसी जगह ना रुकें कि मतलब जहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो एक ये स्टोरी थी, तब से मतलब वो यहाँ ध्यान रखते हैं इस ये बात को। किस्सा किस्सा था भाई। तो और कोई किस्सा है? तो बहुत हैं, लेकिन अभी बताना हमें लगता है सही नहीं है, अभी बताऊंगा अगली बार कुछ और, ये कह रहे हैं भाई अगली बार बताएंगे, अभी लेट बहुत हो गया है तो जाना है। लेट बहुत हो गया अभी तो। चलिए होपफुली अगली बार फिर से मुलाकात होगी महेंद्र राजा से, और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाएंगे यहाँ पे बुंदेलखंड की, जो लोग जानते नहीं हैं बुंदेलखंड को वो जाने, और बाकी अपने चैनल पे एजुकेशन का कंटेंट तो आता ही है, और आप लोगों ने डिमांड की थी कि ये वाला कंटेंट भी लाया जाए, रियल स्टोरीज लाए जाए, रियल इंसिडेंट लाए जाए, तो वो उसके ऊपर एक सीरीज थी, एक वीडियो ये है, ये आप लोगों को मिल रहा होगा कुछ ही घंटों में, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और नई चीज़ें जानने को मिली होगी यहाँ के बारे में, और जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होपफुली ना हो, अगर हो जाती हैं तो आपका भी जो एक विश्वास विश्वास है है वो इन सारी चीज़ों में आपका भी बन जाएगा कि हाँ अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं गॉड हैं तो ये सारी चीज़ें भी हैं, हॉरर भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ गांव में वहाँ की भी स्टोरीज हैं, मोहल्ले की भी स्टोरीज हैं, मोहल्ला मतलब बेसिकली इसको शहर में बोल देते हैं वार्ड नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें बोल देते हैं, तो यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे हम लोग, तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और